भंडारा जिले के पशुधन पर लंबी बीमारी का प्रकोप नहीं है, फिर भी पशु संवर्धन विभाग द्वारा जिले के पशुधन के संपूर्ण टीकाकरण के लिए 1,00,000 अतिरिक्त टीके खरीदी का नियोजन किया गया है। बता दें कि राज्य के अधिकांश क्षेत्र में लंबी बीमारी तेज गति से फैल रही है। भंडारा जिले से सटे नागपुर जिले में भी गौवंश पर लंबी बीमारी का संक्रमण है। इस संबंध में पशु संवर्धन उपायुक्त डॉक्टर वंजारी ने बताया है कि टीकाकरण शासकीय, निम शासकीय तथा निजी सेवादाता व आवश्यक व मानवीय बल की प्रावधान करके लेने संबंध बताया है। जिले में होने वाले गौशाला मार्ग पर के खुले जानवर, इनके संबंध में भी प्रशासन ध्यान रखा होकर अनेक जगह टीकाकरण शुरू किए गए है। चरण चरण में टीकाकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य शासन के 1962 या टोल फ्री क्रमांक घोषित किया गया होकर नागरिकों को इस तरह के जानवर दिखाई देने पर उसकी जानकारी इस टोल फ्री क्रमांक पर दे सकते हैं। यह बीमारी टीकाकरण के बाद गारंटी से ठीक होती है, फिर भी पशुपालकों ने ध्यान रखने तथा जानवरों का टीकाकरण करने का आह्वान जिला प्रशासन ने किया है। मंगलवार 20 सितंबर के निर्णय अनुसार उपाय योजनाओं की सूचनाएं दिए गए है। नागपुर जिले के जिन जगह बीमारी की तीव्रता अधिक है, इस जगह के 5 किलोमीटर परिसर के सभी पशुओं का टीकाकरण शुरू किया गया है। नागपुर जिले के संक्रमित गाँव के 5 किलोमीटर की त्रिज्या में आने वाले भंडारा जिले के जानवरों का टीकाकरण किया गया है, जिनमें रामटेक तहसील के हिवरा इस संक्रमित गांव के त्रिज्या में गोपीवाड़ा, नवे गांव, मोहदुरा, हत्तीडोई, सीतेपा, रोना इन 6 व मौदा तहसील के मोहाड़ी गांव के 5 किलोमीटर की त्रिज्या में भंडारा जिले के खरबी, खराड़ी, परसोड़ी, राजे दहे गांव, शिवनी, जवाहरनगर, कुंडी इन 6 ऐसे कुल 12 गांव के पशुओं का टीकाकरण किया होने की जानकारी दी है।